उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रही है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन वाले ने कहा, क्वेश्चन में ही कहता है कि आपके पास एक ट्रेन है, वो ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है और उसने वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड को चलते वक्त 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, मतलब एक ट्रेन 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एक फिक्स स्पीड पे। ये आपको समझ आया, वो फिक्स स्पीड क्या है वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैंने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया कितना 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो ट्रेन है वो 48 मिनट जो है वो कम समय लेती है उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। क्वेश्चन आपको समझ आया, एक बार और देखो, ये आपका मान लीजिए ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहां पर ट्रेन का फिनिशिंग पॉइंट है। अब यहां पर ट्रेन यहां से लेकर यहां तक जाती है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी 360 किलोमीटर की है, ये डिस्टेंस आपकी 360 किलोमीटर की है। अब यहां पर ट्रेन जो है किसी एक फिक्स स्पीड पे चल रही थी, एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड पे, वो स्पीड कुछ भी हो सकती है वो हमें नहीं पता। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं उसकी स्पीड को 5 बढ़ा देता हूं, मतलब 5 किलोमीटर पर आर इंक्रीज कर देता हूं, पहले एक्स चल रही थी तो अब एक्स प्लस 5 हो जाएगी, तो वो ट्रेन 48 मिनट का कम समय लेती है उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने पर। तो उसी डिस्टेंस का मतलब सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस मेरे पास यहां पर 360 किलोमीटर ही रहने वाली है, डिस्टेंस मेरे पास यहां पर 360 किलोमीटर ही रहने वाली है। लेकिन अब जो मेरा टाइम है वो 48 मिनट जो है वो रिड्यूस हो चुका है और यहां पर मेरा टाइम जो है वो 48 मिनट ज्यादा लग रहा था इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में यहां 48 मिनट ज्यादा लग रहा था और इसके कंपैरिजन में यहां 48 मिनट कम लग रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोग करके आए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि आपके पास वही रिलेशन है, यहां पर टाइम भी दिया हुआ है, यहां पर स्पीड भी है, यहां पर ये डिस्टेंस भी है, तो ये बात तो कंफर्म है कि जो हमारा रिलेशन है वो स्पीड टाइम और डिस्टेंस वाला ही लगेगा, जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम या टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेशन हमारा वही लगेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग अपने केस को स्टार्ट करेंगे और फिर समझना स्टार्ट करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, फर्स्ट केस के ऊपर बात करेंगे और फर्स्ट केस हमारा यहां पर सबसे पहले ट्रेन की स्पीड, क्योंकि वो हमें फाइंड करनी है। तो हम लेट करेंगे, लेट अस या लेट एज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन जो नॉर्मल स्पीड है ट्रेन की वो एक्स किलोमीटर पर आर है, ट्रेन की नॉर्मल स्पीड ये है और ट्रेन अगर एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो 360 किलोमीटर पर आर। तो जो उसकी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, वो 360 किलोमीटर पर आर की हो गई। क्वेश्चन आपको समझ आया भाई, ट्रेन की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आर है तो उसकी डिस्टेंस जो है वो 360 किलोमीटर जाती है एक्स किलोमीटर की स्पीड से। अच्छा, इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है वो, सॉरी डिस्टेंस में परार नहीं आता, इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है वो, इतनी स्पीड से चल रही है, तो डिस्टेंस और स्पीड आपको दिया हुआ है, तो अगर मैं क्या करूं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। ये आप समझ रहे हो, तो मेरे पास कोई ना कोई टाइम T1 लगा होगा। अगर मेरे पास ट्रेन की स्पीड 360 थी, मेरे को कोई ना कोई टाइम T1 लगा होगा अगर मेरे पास ट्रेन का डिस्टेंस 360 था और ट्रेन का स्पीड यहां पर x था। क्या ये आपको समझ आया, एक बार और, मेरे को कोई ना कोई टाइम लगा होगा, मैं जब 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता हूं x किलोमीटर से, तो उस टाइम को मैंने यहां पर T1 लेट करा। सेम टू सेम वही केस मेरा यहां पर सेकेंड बनेगा, केस नंबर सेकेंड,
बस केस नंबर सेकंड में चेंज ये है कि मेरी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आर मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा। जो मेरी ट्रेन की स्पीड है वो यहाँ पर अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आर हो चुकी है। जो मेरी ट्रेन की स्पीड है वो यहाँ पर x किलोमीटर पर आर, x प्लस 5 किलोमीटर पर आर हो चुकी है। लेकिन जो उसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, मतलब वो पहले भी 360 था और अब वो अभी भी 360 है, तो डिस्टेंस मेरे पास 360 ही है। अब फिर से वही बात आ गई कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल अगर कोई ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कर रही है तो उसको कोई ना कोई टाइम लगेगा, उस टाइम को मैंने नाम दिया यहां पर t2। तो t2 इज इक्वल टू 360 अपॉन में x प्लस का 5। क्या ये आपको समझ आया? एक बार और, सबसे पहले ट्रेन क्या करती है, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है अपनी x किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो ये काम करने पर उसे कोई ना कोई टाइम t1 लगा होगा, तो मैंने उसका नाम t1 लिया। फिर से वही बात कि ट्रेन जो है 360 किलोमीटर पर आर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, लेकिन इस बार उसकी स्पीड जो है वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आर हो जाएगी, तो ये काम करने पर उसको कोई ना कोई टाइम लगेगा, मैंने उसका नाम t2 दिया। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पर ट्रेन की स्पीड कम है और यहां पर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो कम समय लेगी, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम है तो ज्यादा समय लेगी। भाई कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही है तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, कोई गाड़ी बहुत धीरे चल रही है तो वो लेट में पहुंचेगी, तो वही बात यहां पर भी है। यहां ट्रेन की स्पीड कम है तो यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, यहां पर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो यहां पर टाइम कम लगेगा। अब इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, मतलब जहां आपके सामने जिसकी वैल्यू बड़ी है, वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू इसकी बड़ी है, टाइम इसका बड़ा है, तो बड़े वाले टाइम में से छोटे वाला टाइम माइनस कर दो और अपने रिजल्ट को लिख दो। ये तो हमने तरीका समझा था, लेकिन अगर थोड़ा वैसे करें कि क्यों ऐसा हो रहा है तो उसके लिए ये देखिए, मेरे पास 360 अपॉन x प्लस 5 लिखा हुआ है, ये कोई ना कोई टाइम ले रहा है। यहां ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, टाइम कम लगा, कितना कम लगा, 48 मिनट कम लगा। तो अगर इसमें मैंने 48 को प्लस कर दिया तो मेरे पास वो एक्चुअल टाइम आ जाएगा जो ट्रेन धीरे वाला ले रही है। जैसे वही एक एग्जांपल फिर से देता हूं कि मान लीजिए दो कार है, एक कार जो है वो धीरे चल रही है और एक कार जो है वो तेज चल रही है। जो कार तेज जा रही है उसको धीरे के मुकाबले 48 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो जो कार तेज गई, अगर मैं उसका टोटल टाइम ले लूं, जितना भी टाइम उसको वहां तक जाने में लगा, क्योंकि वो तेज चल रही थी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी, तो उसका जो भी टाइम लगा अगर उस टाइम में मैं 48 मिनट प्लस कर दूं तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा। तो अगर मैं जो मेरे पास जो कार तेज चल रही है, अगर उस तेज चलने वाली कार में मैं 48 मिनट और प्लस कर दूं, मतलब मैं किसी तरीके से उस तेज जो कार आदमी चला रहा है उसका 48 मिनट और खर्च कर दूं, तो मेरे पास वो टाइम इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? जो कार अपना नॉर्मल स्पीड से जा रही है। क्या आपको समझ है? तो वही तो यहां पर भी है कि ट्रेन जल्दी जा रही है तो वो 48 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। लेकिन अगर मैंने इसमें क्या करा, इस टाइम में 48 मिनट प्लस कर दिया क्योंकि वो जल्दी पहुंच गई थी 48 मिनट, तो जल्दी वाले में अगर मैंने 48 प्लस कर दिया तो उसकी वो नॉर्मल जो टाइम लगेगा, जो नॉर्मल स्पीड से चलने में उसको टाइम लगेगा, वो उसके इक्वल आ जाएगा। इस चीज को समझो, इस चीज को इमेजिनेशन करो कि भाई आपके पास एक ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। अगर मैंने क्या करा, किसी तरीके से उस ट्रेन का थोड़ा सा टाइम और खर्च कर दिया, जितना टाइम उसने बोला है मैंने उतना टाइम उसी ट्रेन का और खर्च कर दिया किसी भी तरीके से, तो फिर बात तो वही हो गई ना कि आप भाई कम स्पीड से जा रहे हो तब भी उतना टाइम लग रहा है, ज्यादा स्पीड से जा रहे हो इतना टाइम और खर्च कर दिया तब भी वही बात हो रही है। तो वही चीज यहां पर भी है कि आपके पास जो 360 अपॉन एक्स है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 और प्लस 48 के। क्या ये आपको कंसेप्ट समझ आया? अब उसके बाद ये प्लस वाली क्वांटिटी इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, तो माइनस होने का मतलब ये रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये हो गया 360 अपॉन में x और ये प्लस इस तरफ आके
माइनस का 360 अपॉन में एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 48 मिनट, क्योंकि ये मिनट में यहां पर बात कर रहा है। अब ध्यान से देखना, यहां पर जो आपके पास स्पीड है वो पर आर प्रति घंटे की बात हो रही है, पर आर की बात हो रही है कि वो ट्रेन जो है इतने किलोमीटर पर आर जा रही है, और यहां पर जो आपको टाइम मिला है वो मिनट में मिल गया। तो एक काम करो, मिनट को आर में चेंज कर लो। अब मिनट आर में कैसे चेंज होता है, जब आप उसे 60 से डिवाइड करते हो, जब आप उसे 60 से डिवाइड करते हो, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा आपका, या 4 से ही कैंसिल करते हैं, 4 by 5 आ गया। तो आपका रिजल्ट हो गया 360 अपॉन में एक्स, और यहां माइनस का 360 अपॉन में एक्स प्लस 5, और ये आपका इक्वल आ गया 4 अपॉन 5 के। अब 360 और 4 तीनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे, कर दो, तो ये 4 9 जा 36, ये फिर से 4 9 जा 36, और यहां पर 4 1 जा 4, और अब 5 तो सेम टू सेम। एलसीएम लो तो एक्स और एक्स प्लस 5 का एलसीएम दोनों आएगा, x प्लस 5 की मल्टीप्लाई यहां हो गई 90 में, x की मल्टीप्लाई यहां हो गई 90 में, और 1 अपॉन 5 सेम है, 90 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 90x, 90 की 5 में करोगे तो 450, 90 की x में करोगे तो 90x डिवाइडेड बाय, x की x में करोगे एक्स स्क्वायर, x की 5 में करोगे 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। इससे ये कैंसिल, इसको वहां 1 के पास भेजो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 450 की 5 में करो तो 50 में 0, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 और 2, 22। ये प्लस इस तरफ आके माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहां पर आपके पास 2250 के कोई ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन तो वही रहे, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो हम लोग यहां करते हैं 2250 के जब फैक्टर करेंगे तो आई थिंक ये 2 से होगा 1125, और फिर ये आपका 5 2 7 और 1 8, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 15 हो गया, 3 5 जा 15, और ये फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 25, ये 5 से होगा 25, 5 से 5 5 से 5, आपका ये आ गया। अब ध्यान से देखो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 5 5 जा 25 125, नहीं बनेगा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 5 3 जा 15, और 15 3 जा 45, तो 50 में से अगर आपने 45 रिड्यूस कर दिया तो आपका 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। तो आप इस 5 को लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस का 2250 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, तो x प्लस 50, यहां से माइनस का 45 कॉमन, तो भी x प्लस 50। अब एक बार x प्लस 50 आपका फिर से कॉमन, तो x प्लस 50, और यहां पे x, और ये माइनस 45, और इज इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 50, ये 0 होगा तो x की वैल्यू 45। बात हम लोग ट्रेन की स्पीड की कर रहे हैं, तो ये तो कभी माइनस में स्पीड हो नहीं सकती, तो माइनस 50 इज रिजेक्टेड, सो 45 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड है ओरिजिनल, वो आपके पास 45 किलोमीटर पर आ रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आप उसकी कंडीशन को जनरेट करो, और कंडीशन जनरेट करने का ये रिजल्ट है। ओके okay.